नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बिहार में एक बार फिर सियासी पारा जो है वो बहुत गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने परिवाद पर्व पर जैसे निशाना साधा और उसके बाद आरजेडी के नेताओं की तरफ से तो प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट किए और सीधा निशाना जो साधा गया, कहा यह जा रहा है कि वो नीतीश कुमार पर था। हालांकि बयान में, संबोधन में नीतीश कुमार ने भी किसी का नाम नहीं लिया था, तब भी कहा गया कि वो निशाना लालू परिवार पर है। अब सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। इंडिया गठबंधन में खींचतान के बीच से ही लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं और एक बार फिर वो एनडीए के पाले में जा सकते हैं। क्या अंदर खाने ऐसा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कहा था कि सामने से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी का स्थानीय कैडर उसको मानने को तैयार होगा, क्योंकि सुशील मोदी तो कह रहे हैं अगर आलाकमान फैसला करेगा तो हम सब भी विचार करेंगे और उनकी बात मानेंगे। लेकिन चल क्या रहा है बिहार में, इस पर बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता और बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com पर। सबसे पहले, चल क्या रहा है बिहार में और एनडीए में क्या खुशी की लहर है, क्या कुछ ऐसा भी है? ऐसे जो हम लोग बिहार को देख पा रहे हैं, बिहार में एक अनैतिक गठबंधन की सरकार इस वक्त चल रही है और सरकार ऐसी कुछ चल रही है कि सरकार के आपस के घटक दलों के बीच कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और आपसी द्वंद और खींचतान भी दिख रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह जी को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया, उस वक्त भी जो सुर्खियों में ये बातें थी कि कहीं ना कहीं जेडीयू का एक खेमा तैयार हो रहा था जो आरजेडी के साथ सरकार बनाने को इच्छुक था, और शायद नीतीश कुमार जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, पार्टी और सरकार बचाने के लिए इस तरह के निर्णय लिए, खुद अध्यक्ष बने। दूसरी बात सामने आई जो देख रहे हैं कि जेडीयू पर आरजेडी का दबाव है। लालू जी की एक बड़ी ख्वाहिश है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब नीतीश कुमार जी इस दबाव को अब तक कैसे प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की जो एनडीए इंडिया गठबंधन के नेता को कॉन्वेनर बनने की जो उनकी एक इनिशिएटिव थी, पहला इनिशिएटिव तो वाकई उन्होंने लिया, उसको पलीता किस तरीके से लालू जी ने लगाया कि राहुल गांधी की बारात निकालना चाहते थे, फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नवरात्रि में मटन बनाना सिखाते हैं, और इन सबके बीच 3-4 जो बैठकें होती है, नीतीश कुमार जी किस तरीके से कॉर्नर्ड कर दिए गए इंडिया गठबंधन की बैठक में। अब देखिए कि नीतीश कुमार जी जब कहीं ना कहीं असहज थे तो फिर एक प्रस्ताव आया कि उनको कॉन्वेनर बनाया जाएगा, तो आपस का एक कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस और जो भरोसा है वो दिख नहीं रहा था। ऐसे में एक टूटन बिखरन की स्थिति है, इसकी भुक्तभोगी बिहार की जनता है। हम लोग कोई बहुत खुश नहीं है बिहार के वर्तमान हालात से, लेकिन 2020 में बिहार की जनता ने तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को अपना बहुमत दिया था, सरकार बना चलाने का आदेश दिया था। अब नीतीश कुमार जी ने यू टर्न लेके आरजेडी के साथ सरकार बना ली। अब ये उनकी आपसी खींचतान है जिससे खबरें सुर्खियां बन रही है। अब देखिए, ये तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉइंट आउट कर देंगे, आपसी खींचतान क्या है, क्योंकि तमाम चाहे जेडीयू के नेताओं, आरजेडी के नेताओं नकार रहे हैं इस बात को। देखिए, आरजेडी और जेडीयू के नेता लाख नकारे, लेकिन ये बात तय है कि आरजेडी का दबाव नीतीश कुमार जी पर है और लालू प्रसाद जी की एकमात्र मंशा रही है तेजस्वी को येन केन प्रकारेन मुख्यमंत्री बनाने की। और ये जो बीच में जो एक शिगुफा और ताना बाना जो बुना जा रहा था लालू जी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर, वो नीतीश जी को इस बात को कन्विंस करने के लिए कि वो कॉन्वेनर बने या फिर राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट करें, ये बातें हमेशा से चर्चे में रही है। और लालू जी जब ये होता हुआ आप नहीं देख रहे हैं कि उस तरह से बहुत चीजें स्मूथ तरीके से, पावर ट्रांजिशन, तेजस्वी का एलिवेशन एज ए सीएम हो सकता है, तो लालू जी असहज है। अब उनके परिवार के तरफ से जो बयान आए, रोहिणी आचार्य ने उनको बदतमीज एक तरीके से कहा, छद्म समाजवादी भी कहा। अब ये बताइए कि आरजेडी जैसी पार्टी, उसमें पार्टी जैसी कुछ भी नहीं है, जो पार्टी है वही परिवार है, जो परिवार है वही पार्टी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
अब रोहिणी आचार्य का ट्वीट बहुत वेल क्राफ्टेड ट्वीट है। अब ये ट्वीट कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना उनकी तरफ से डलवाया गया, खबरों की सुर्खियां बनाई गई। अब ये देखिए कि इस पर ट्वीट डिलीट करना कोई समाधान नहीं है। अगर आरजेडी को लगता है कि ये बयानबाजी वाकई आपत्तिजनक है, इतनी ही गंभीर है, तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये बिहार के एक मुख्यमंत्री जो पुराने समाजवादी नेता रहे उन पर की गई टिप्पणी है, और वो भी इसलिए कि वो एक मोरल लाइन लेकर, मोरल नोट पर वो अपना एक संबोधन कर रहे थे। भाई परिवारवाद और वंशवाद और भ्रष्टाचार, कर्पूरी ठाकुर जी इन्हीं उसूलों के लिए तो लड़ते रहे। और अगर नीतीश जी खुद को कोरिलेट कर रहे हैं, उसमें अगर आरजेडी के लोग आहत होते हैं और इस तरह की ट्वीट करने की जरूरत हो गई रोहिणी आचार्य के द्वारा, तो निश्चित तौर पर नीतीश जी के बयान से, परिवारवाद पर किए गए हमले से आरजेडी असहज है और आरजेडी परिवार के भीतर बहुत। लेकिन निखिल भाई कहा तो ये जा रहा है कि ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी की लाइन ले रहे हैं। भाई बीजेपी लालू परिवार हो, गांधी परिवार हो, उन पर हमला करती रही ना, परिवारवाद पर हमला करती रही, तो बीजेपी की लाइन मानी जाती रही है, और यही लाइन नीतीश कुमार ने ले ली, इसलिए नाराजगी है। नहीं, बीजेपी की तो लाइन हमेशा से रही है। बीजेपी देखिए एक संगठन और विचारधारा की पार्टी है, इसमें कोई भी व्यक्ति कब क्या बन जाए, क्या भूमिका मिले, क्या जिम्मेदारी मिले, ये कोई नहीं जानता है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को भी व्यक्तिगत उनके राजनीति पर सवाल हो सकता है, टीका टिप्पणी हो सकती है, उनकी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म उनके पॉलिटिकल स्टेचर को लेकर के नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार और ये परिवारवाद, वंशवाद, इस लाइन को कम से कम उन्होंने यहां तक खींच कर लाने में समाजवादियों के बीच से एक भूमिका निभाई है, नहीं तो कौन समाजवादी अछूते हैं। आप मुलायम सिंह यादव जी को ले, लालू जी को ले, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी, ये बीजेपी की लाइन जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार जी का भी एक उसूल परिवारवाद को लेकर के तो रहा ही है। अब वो परिवारवादी राजनीति की गिरफ्त में आ गए, उनके झांसे में कैसे आए, क्यों उन्होंने यू टर्न लिया, ये तो उनका विषय है। नहीं, लेकिन मुझे अब ये बताइए आप, अमित शाह जी से जब कुछ दिन पहले पूछा गया, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। पहले इस तरह की खबरें थी कि दरवाजे जो है वो पूरी तरीके से बंद हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अगर आलाकमान फैसला करता है तो बिहार कैडर के नेता मानेंगे। क्या मानकर चले, बिहार में अंदर खाने बड़ी तैयारी चल रही है क्या, एक बार फिर हम वो बदलाव का दौर देखेंगे बिहार में? भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में लगी है और संगठन के तरफ से बहुत सारे काम है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है चुनाव लड़ने के लिए, और हम तो चाहते हैं कि 2025 में जो कार्यकर्ता का भाव है वो मैं प्रकट कर रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एकीकृत संगठित एक सरकार बने जो बिहार को विकास के मार्ग पर ले चले, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त और बिना किसी लाग लपेट के। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और इसमें कौन हमारे रास्ते में है, कौन विरोध में है, इसकी भी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें एक बड़ा टास्क है, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का एहसास भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, दो चीजें मैं समझना चाह रहा हूं। एक, क्योंकि अभी तक आप हर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जाते रहे हैं, तो एक तरीके से क्या बिना नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में जाकर केवल पीएम मोदी के चेहरे पे, विधानसभा की जीत अपनी अलग है लेकिन लोकसभा में आप जाते हैं तो वहां पर स्थानीय समीकरण थोड़ा बदलते हैं, क्या वो फायदा बीजेपी को मिलेगा? एक, और दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि अभी तो चुनाव दूर है, विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कोशिश है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं विधानसभा भंग करने के लिए, क्या कुछ कानूनी सलाह है उसके बारे में भी अफवाहें उड़ रही हैं बिहार की राजनीति में, क्या एक इसमें दम है? और अगर ऐसा होता है तो बिहार बीजेपी के नेता इसको स्वीकार करेंगे उस तरीके से जैसा सुशील मोदी जी कह रहे हैं? देखिए, चर्चाएं तो निश्चित तौर पर चलती रहेंगी और कुछ चर्चाएं हमारे, हम लोग जैसे जो कार्यकर्ता है उनके पास तक भी पहुंचती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि संगठन पर ज्यादा फोकस करके अपना काम करने में लगी है। ये नीतीश कुमार जी का विषय है कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। अब देखिए, बिहार में एक द्वंद की स्थिति है, सरकार के बीच भ्रम की स्थिति है। आज कैबिनेट की बैठक सिर्फ 15 मिनट चली, तो 15 मिनट चलने के क्या मायने हैं? आखिर कैबिनेट अगर गंभीर नोट पर, अगर सारे मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ बैठते हैं तो कोई गंभीर बात, और ये राज्य जिसमें 38 जिले हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी चुनौतियां हैं,
इस चुनौतियों को लेकर के कोई मुख्यमंत्री 15 मिनट में अपनी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त कर दे तो क्या है ये? तो कुछ अंदेशा होता है, कुछ संकेत जब मिलता है तब चिंता होती है। ये चिंता हम लोगों के अपने लिए नहीं है, कार्यकर्ता के तौर पर हम संघर्ष में भरोसा रखते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बिहार की आवाम जो झुठलाई जा रही है, बिहार की आवाम जो ठगी जा रही है, एक सरकार जो दो नेताओं के महत्वाकांक्षा, दो पार्टियों की महत्वाकांक्षा की बलि बिहार की जनता क्या चढ़ेगी। और इन सब कयासों के बीच जब तक कोई सही मायने में कोई तस्वीर उभर कर नहीं आती है, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो कहना बिल्कुल ही मुश्किल सी बात है। ये बयानबाजी के तौर पर कोई बातें निकल जाती है, कोई शीर्ष नेता कुछ बोलते हैं, उसका अर्थ निश्चित तौर पर पत्रकार लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई जब तक कभी निर्देश नहीं मिले, आदेश नहीं मिले, तो हमारे लिए तो वस्तु स्थिति वैसे ही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के विपक्ष नहीं, तो कोई निर्देश आप लोगों को मिला है कि नीतीश कुमार पर हमला नहीं करना है, उन पर निशाना नहीं साधना, कोई ऐसा निर्देश मिला है क्या आप लोगों को? देखिए, नीतीश कुमार जी एक सम्मानित नेता, पुराने नेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 2005 में उनके साथ जब हमने सरकार बनाने का निर्णय लिया था, तब जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, ये हमारा फोकस था। बिहार को 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट ले जाने का जो सफर रहा, इसमें हम साझेदार रहे, लेकिन जो यू टर्न के चलते जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, महत्वाकांक्षाओं के की शिकार बिहार की जनता हुई, तो हम आज भी बिहार को लेकर के चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार को लेकर के चिंतित है, और हम आरजेडी जेडीयू की राजनीति के द्वंद्व और वो राजनीति कहां जाएगी, किस मुकाम पर पहुंचेगी, इसको लेकर के इस पर बहुत बात करना हमारे लिए भी संभव नहीं है। ठीक है, इस पर बात करना संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि बिहार की चिंता की आप बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल मैं उसी से जोड़ देता हूं। नीतीश कुमार अगर आपके साथ आते हैं तो साथ आएंगे तो उनको आप लोग साथ लेंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि बिहार की चिंता बीजेपी भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। देखिए, ये मुझे एक कोरी गप जैसी स्थिति लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी बहुत ही एक अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते रहे, और वो कोई निर्णय जो भी लेते हैं वो पुख्ता तौर पर लेते हैं, और हम सभी ने देखा कि जब वो बीजेपी से आरजेडी की तरफ वो स्विच किए, तो हम लोग तो गठबंधन के पक्ष में बयान नहीं देते रह गए। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, कल भी कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनी और सड़क पर भारतीय जनता पार्टी को मनाना पड़ा, क्योंकि हमने जो मिलर स्कूल को जो एक वेन्यू के तौर पर रजिस्टर्ड किया था, उस वेन्यू में जेडीयू ने अपनी बुकिंग कर ली, वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कि हम कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बीच सड़क पर वीरचंद पटेल पथ पर मना रहे थे, सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। तो ये इन स्थितियों को देखकर कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन वाली स्थिति कि जेडीयू के साथ बीजेपी की है, ऐसी है, ये ऐसी कोई बात नहीं। हम एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और बिहार के भविष्य के लिए, बेहतर भूमिका के निर्वहन के लिए हम अपनी पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप मेरी बात आप टाल दे रहे हैं। आपका जवाब बहुत सुंदर है, लेकिन आप मेरी बात टाल दे रहे हैं। नीतीश कुमार, क्योंकि अमित शाह ने भी कहा कि नीतीश कुमार अगर कुछ प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे, तो वही मेरा सवाल है कि प्रस्ताव आता है तो क्या करेंगे, हाँ ना क्या करेंगे? एक चीज तो आदर्श जी, आप भी पुराने पत्रकार हैं तो ये जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन से संबंधित निर्णय, सरकार से संबंधित निर्णय और बड़े निर्णय कोई भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी कॉन्फिडेंस गेन कर रही है, गेन कर चुकी है, और आगे इन द प्रोसेस ऑफ आवर स्ट्रगल हम लोग इस तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाए। कौन आएगा, कौन आगे होगा, पीछे होगा, कौन साथ होगा, नहीं होगा, विपक्ष में होगा, इसकी परवाह अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कतई नहीं करता है। हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, और 2400 घंटे सातों दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक एक ईंट जोड़कर एक बिहार की नई इबारत खड़ी करने में संघर्ष से जुटा है। और नीतीश कुमार जी और लालू जी ये राजनीति में अपनी जो पहले से भूमिका निभाते आ रहे हैं,
बिहार के लिए इनकी भूमिका की लगभग एक तीसरी है। हम बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर बिहार के लिए आगे जाना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी से पूछे, वो भी एक बिहार का भविष्य जो देखता है वो नए कलेवर नए तेवर के साथ देखना चाहता है, वो नई पैकेजिंग चाहता है। तो ऐसे में एक कार्यकर्ता का भाव तो निश्चित तौर पर है कि हमारी सरकार बने, भाजपा की सरकार बने और बिहार में ये जब भी संभव होगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर निखिल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता है पटना से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप उनको सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। जिस तरह से बिहार में सियासी खबरें सियासी अफवाहें चल रही हैं, क्या होगा, बहुत खूबसूरती से उन्होंने सवाल को फिलहाल टाल दिया कि आलाकमान उस पर फैसला करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर द लाइन अगर खबरों को पढ़ें, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जरूर कुछ ना कुछ पक तो रहा है और पक कर क्या निकलता है वो भी जल्द सामने आएगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर निखिल आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।